बेटा किसने लगाई है? क्या लगा है ये? हैं? मोहर। हैं मोहर? कहाँ गए थे? मिलाई करने। कहाँ, किससे? दादाजी। तो तुम्हारे लखीमपुर खीरी जेल की एक असंवेदनशीलता की वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, ये लोग कुछ लोग मिलाई करने के लिए वहाँ गए थे और साथ में एक अबोध छोटा सा बच्चा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जेल में घुसने से पहले एक जो मोहर लगाई जाती है हाथ पे, जो एक निशानी होती है कि जेल के अंदर गए हैं, और जब बाहर आते हैं तो उस जेल वेरिफिकेशन किया जाता है उस मोहर को देख करके कि हाँ जो व्यक्ति अंदर गया था वही बाहर आ रहा है। और ये जब बच्चा मिलने गया तो जेल विभाग ने इसके हाथ की बजाय इसके गाल पे मोहर लगा दिया, मुंह पर मोहर लगा दिया। आप सोच सकते हैं कितनी असंवेदनशील बात है, छोटे से बच्चे के दिमाग पे, दृष्टि पटल पे इस कारनामे का कितना बड़ा असर पड़ेगा। आइए इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आई हैं आप? हम लालपुर भाई हुए, भगवतीपुर से। क्या करने आए थे? मिलाई करे नाते के रे। करने आए थे तो कितने लोग मिलाई करने आप गए थे? कितने लोग गए थे मिलाई करने? दुई जने रहन हम, ये भैया रहे, हां ये दुई पोता है। हां ये किससे मिलने गया था? ये मौका फफोता भाई ही। अपने भाई से मिलने गए? आप भी साथ में गई थी? हाँ, हमार नाती है। क्या हुआ फिर? ना मिलाई गया ना, और का बताइए। मोहर मोहर जब इंगिन से गया ना तब मोहर लगाई नहीं, जब यहाँ हमारे यहाँ लागी लाल वाली तब एक लगाए दी। कहाँ लगाया? यह पर जब गेट पर जी है तब है गेट बच्चे पर। बच्चे के कहाँ पे लगा दिया? मैं वह त्रिवन गाल पे। हाथ पे क्यों नहीं लगाया? हाथ अब भैया पता नहीं कहे नहीं लगाए, मुही पर लगाए दी ना, हाथ पर नहीं लगाए। हाथ बढ़ाया था उसने? हाँ ऐसे तो करिस रहा है, तले वही मुँह लगाए दी ना हाथ। बच्चे बोलते बेटा किसने लगाई है? क्या लगा है ये? मोहर। मोहर? कहाँ गए थे? मिलाई करने। कहाँ, किससे? दादाजी। तो तुम्हारे गाल पे लगा दिया? तो देखिए छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे के गाल पे एक मोहर लगा दी गई है। बड़ी असंवेदनशीलता वाली बात है, चूँकि मोहर जो होती है इसमें केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल इस छोटे से बच्चे के गाल पर जो है जिस तरीके से मोहर ठोक दी गई है, कहीं ना कहीं से ये जो है उसके लिए नुकसानदायक तो है ही, साथ ही जेल प्रशासन की ये रवैया जो है असंवेदनशील रवैया वो भी छोटे बच्चे के प्रति। जेल के अंदर जाहिर सी बात है अगर कोई अभियुक्त बंद है तो उसके घर के जितने भी लोग हैं वो उस रवैये से नहीं नवाजे जाने चाहिए, उनके प्रति जो है उनका रवैया जिस तरीके से इन्होंने बच्चे के मुँह पर मोहर ठोक के साबित किया है कि कहीं ना कहीं से लखीमपुर खीरी के जेल प्रशासन का रवैया जेल में मिलाई करने आने वाले पदनों के साथ में बहुत ही कोऑपरेटिव नहीं है। अब देखना यह होगा कि ये सूचना जेल प्रशासन के पास जाने के बाद में जेल प्रशासन आखिर उस पर कब और कितनी कार्रवाई करता है। लखीमपुर की पोस्ट, गोपालगिरी। इधर देखो बेटा, इधर देखो थोड़ा।